हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और बच्चों हमने अपने फिजिक्स के अपने दो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि जो हमारा पहला था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। अब तीसरे चैप्टर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को हम करना अब शुरू कर रहे हैं और देखते हैं अपना पैसेज नंबर 21 क्या कहता है। कह रहा था फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट द इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट आप सिंपल बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और जो आपके चार्ज हैं एक्चुअली वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग क्रॉस द पर यूनिट टाइम। यानी कि जो भी चार्ज आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो उस सर्फेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इतना यानी करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है आई ओवर ए। ओके, तो अब जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतनी करंट डेंसिटी कम होगी, ये बात बोली गई है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि भाई जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। क्लियर है? चलो अब देखो, कह रहा व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ 1,000,000 यानी कि 10^6 इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिली सेकेंड। तो सबसे पहले क्या काम है? चार्ज निकालो, क्योंकि हमारे पास चार्ज नहीं है। तो चार्ज हो जाएगा 10^6 1.6 इंटू 10^-19। तो ये सोल्व होकर आएगा 1.6 इंटू 10^-3 कूलम। तो हमारे पास I इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, यानी 1.6 इंटू 10^-13 अपॉन 10^-3। तो 1.6 इंटू 10^-10 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यूनिट की अगर बच्चों बात करें तो इसकी यूनिट या तो आप बोल सकते हो कूलम पर सेकंड, या बच्चों बोल सकते हो एम्पियर। अब बताओ कौन सी है? तो कूलम पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, कह रहा है स्टडी करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट अलोंग द कंडक्टर। देखो बच्चों, बदलने वाली चीज क्या क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बदलती है, करंट डेंसिटी भी बदलती है। सिर्फ क्या है जो करंट आपकी डिपेंड्स नहीं कर रही है किस पर? एरिया पर। इसलिए करंट कभी नहीं बदलेगी, वो कॉन्स्टेंट रहेगी अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। क्लियर है इतनी बात? चलो, कह रहा है कॉन्स्टेंट करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एंड शोन इन फिगर द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में होती है, एरिया पर डिपेंडेंसी नहीं है। करंट डेंसिटी डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऐसी चीज है जो एरिया पर डिपेंडेंसी नहीं रखती। ओके, चलो भाई, कह रहे मैंने करंट ऑफ 40 एम्पियर कितने एरिया में, इतना। तो करंट डेंसिटी निकालनी है, सिंपल आई अपॉन ए ये आपके पास है। तो 40 अपॉन 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत ही आसान सा चैप्टर वो था, टॉपिक था हमारा, ये पैसेज था कि भाई जब भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो आपका करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। करंट वाले डायरेक्शन को आप इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? और जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है बच्चों, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि वो पंक्ति से लाइन से बना के चल रहे हैं, नहीं, रैंडम मोशन होता है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। क्लियर है इतनी बात? और करंट डेंसिटी, जो भी आपका चार्ज पर यूनिट एरिया पर सेकंड में फ्लो कर रहा है, यानी कि एरिया जो होना चाहिए वो नॉर्मली हो उनके फ्लो के, उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। और जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिपेंडेंसी नहीं रख रही एरिया पर, और करंट भी आपके डिपेंड नहीं करती है इस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखोगे। पैसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।